छेक, छेक आपको याद कैसे होगा ये बता देता हूँ। बहुत ही आसान है, इतना आसान, इतना आसान है। हलवा हलवा भी नहीं, पानी पानी भी नहीं, हवा हवा पता नहीं चल रही है, आधी जा रही, समझ ले ये हुई छेक है। बताता हूँ कैसे कि आपने आज के बाद अपनी किताब को किताब नहीं बोलना है, छेक बोलना है। आपने हमेशा छेक ही कहना है। छेक के अलावा चाहे आपको याद आए ना आए, आपको डायरी में ढूंढना पड़े, आपको मोबाइल में ढूंढना पड़े, डिक्शनरी में ढूंढना पड़े, आपने अपनी किताब को छेक ही कहना है। एक नहीं, एक लाख पाकिस्तानी, एक लाख पाकिस्तानी, एक करोड़ आबादी, बल्कि 7 अरब की 7 अरब आबादी जो दुनिया में मौजूद है इस वक्त, वो सब की सब लैंग्वेज इस तरह नहीं सीखी है कि पढ़ पढ़ के, बल्कि उसने अपने माहौल से, बार बार बोलने से, बार बार सुनने से उन्होंने लैंग्वेज सीखी, उसके बाद पढ़ना आई। तो मैं आपको सच बताऊं तो जैसे जो कोरिया में जाते हैं 10 साल 20 साल रहते हैं, तो चाहे उन्होंने यहाँ पे एक बुक भी, एक छेक भी नहीं पढ़ी होगी, कुछ भी नहीं किया होगा, मगर वहाँ पे जाके उसे पता है कि इसको छेक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल इस तरह किया कि बार बार बोला कि ये छेक है, सुना बार बार, ये छेक है, छेक याद हो गया, हाँ इसको छेक कहते हैं। सेम इसी तरह आपने छेक कहना है। अगर आपने छेक ना बोला तो समझ लें आपने जाना ही नहीं कोरिया। अगर जिसने कोरिया जाना है, अपनी बुक को आज के बाद छेक कहना है। छेक का नाम रख लें, छेक 1, छेक 2, छेक 3, केमिस्ट्री छेक, फिजिक्स छेक, बायोलॉजी छेक, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद है अप्पा। वालिद साहब को अब्बू जी नहीं कहना, आबू जी वैसे कोरियन जबान में कहते हैं, अप्पा कहना है। अप्पा, अब्बा बोले पुत्र की हो गया, अब्बा अब्बा नहीं आज के बाद अप्पा। क्यों? क्योंकि पुत्र मैं पुत्र सॉरी अब्बा जी मैं ना कोरिया जाना है, इसलिए आज के बाद अप्पा। अम्मा को या अम्मी जी को उम्मा, उम्मा। ये प्रैक्टिकल करना है भाई, कोई मजाक उड़ाए जो भी करे, ये वही बात है। आपने ग्राउंड में उतरना है, कोई तालियां बजाएगा, कोई गालियां देगा, इससे आपको फ़र्क, खिलाड़ी को कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे मजाक उड़ाया है या मेरी तालियां बजी हैं नहीं बजी हैं। उसका फोकस अपनी गेम पे होता है। विराट कोहली का फोकस अपनी गेम पे, अपनी फिटनेस पर है, इसलिए वो कामयाब है। जो अगर उसका फोकस ये होगा मुझे तालियां ज़्यादा नहीं मिली, तो वो अगले गेम में या तो फेल हो जाएगा या बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। सेम इसी तरह आपने अपना मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दो, हंस रहा है, हंसने दो, रोना है, रोने दो, बुरा बोल रहा है, बोलने दो। आपने उम्मा को उम्मा बोलना है, उम्मा बोलना है, छेक को किताब को छेक बोलना है, अब्बा को अप्पा बोलना है, उम्मा को अम्मी जी को उम्मा बोलना है, अका कहना, आपके मोहल्ले में आपके घर में है जो भी बच्चा, आपने उसका नाम ही अका रख देना है। आका क्या? आका, आका, आपने उसको आका बोलना है। फिर मैं देखता हूँ कैसे याद नहीं होता। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको याद आएगा, हाँ यार ये मैंने प्रैक्टिकल में बोला है तो ये मुझे याद है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं रट्टा लगा लूँ, उम्मा अप्पा आका, उम्मा अप्पा आका, उम्मा अप्पा, ये तो गाना गाने लग गए, गाने में वैसे याद हो जाता है, मगर आपको मीनिंग पता, याद नहीं भूलेंगे, मीनिंग जो है वो भूल जाएंगे। लिहाजा आपने घर में कोई छोटा बच्चा है उसका नाम आका डाल दो, घर में नहीं है मोहल्ले में किसी बच्चे को अका अका बोलना शुरू कर दो, आपके जहन में रहेगा, इसको अका कहते हैं। फिर है खोयंगी, खोयंगी, हम बच्चों को डराते हैं, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, आपने बच्चों को डराना, खोयंगी आ जाएगी, खोयंगी आ जाएगी, खोयंगी आ जाएगी, खोयंगी, 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 पहले याद करना है। जहाँ पे बिल्ली देखी खोयंगी बोल दिया, नई तस्वीर बनाई बिल्ली की, उसको खोयंगी, भाई क्या बना रहा हूँ, खोयंगी बना रहा हूँ, इसको देख लो, इस तरह की बना लो, नहीं तो जिस तरह की आती है वैसी बना लो, बिल्ली लिख लो, मगर उसको खोयंगी लिख रहा हूँ, खोयंगी, खोयंगी, खोयंगी। सेम इसी तरह अगला लफ्ज है खे। खे कहते हैं कुत्ते को, वो कुत्ता होता है वफादार, वो गली में इतने ज़्यादा रात पूरी मतलब बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। तो ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं, कोरिया में भी ये चीज़ वो लोग घर में रखते हैं, मगर पाकिस्तान में कुछ लोग घर में रखते हैं, कुछ लोग रहते ही बाहर हैं। तो आपने उसको कुत्ता नहीं बोलना है, खे बोलना है। क्या बोलना है? खे, खे, खे। उसके बाद अगला लफ्ज है से। से चिड़िया, परिंदा, हर घर में है, आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में से जो है जगह जगह घोंसले बनाती है, जगह जगह अंडे बच्चे देती है, तो लिहाजा आपने आज के बाद परिंदे को से बोलना है। क्या बोलना है? से, से, से। नहीं याद आया इस परिंदा, देखा पता नहीं कोरियन में जबान में क्या बोलते हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है, वीडियो निकाली, वीडियो में देखा भाई क्या बोल रहे हैं, से बोल रहे हैं। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है, कॉपी डायरी में लिख लें, ये लफ्ज डायरी में नहीं तो आपने गूगल ट्रांसलेट में लिखना है, परिंदे को क्या कहते हैं, से। कल की वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें से वाला जो है ना वो वीडियो है, वो से बोलता है ना से यो, वो सॉन्ग टाइप का गा रहा है, तो वो वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको पक्का याद हो जाए कि से को जो है ना उसको उसको एक बच्चा होता है, बोलता है मैं आपका नाम से ना रख दूं, बोलता हाँ ना से यो, मैं से हूँ, मतलब के परिंदा जो है से कहते हैं। सो, सो कहते हैं गाय को, रोजाना दूध लेके आते हैं, उयू, उयू उसको कहते हैं, वो अगले आगे जाके बताऊंगा, मगर किस चीज़ का है वो दूध है, सो खोगी का, उस खोगी कहते हैं गोश्त को, सो का दूध लेने जा रहा हूँ, 100 रुपया समझ लें, सो वही वाला सो है, सो बैल को कहते हैं, गाय को कहते हैं सो, 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 सो। जो लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ वो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लिख लें,
अपने जहाँ पे सोते हैं बेडरूम की दीवार पे लिख लें, मगर इस तरह नहीं लिखना घर वाले घर से निकाल दें, निकाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब के सब दोबारा बुला लेंगे जब आप कोरिया जाएंगे। ऐही मेरा पुत्र था, इन्नी दीवार पर लिखे ही पुत्र, सानू पता ही तू कामयाब होना है। सेम इसी तरह आपने हिम्मत नहीं हारनी अपनी दीवार पर, अपने बुक पर, अपने डायरी में, अपने मोबाइल पर, हर जगह लिख लेना है। सो सो के बाद लिखना है खो, आप बोलो खो आ खो मुल नावा, हाँ नाक से पानी आ रहा है, मुल कहते हैं पानी को आवा आ रहा है, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। खो खो कहते हैं नाक को, नाक आपका साथ लगा हुआ है इसलिए आपने खो कहना है। क्या कहना है? खो। उसके बाद है इप, इप आपका अपने अज़ा है ये, इप होंठ, इप क्या कहते हैं होंठ को, इप अप्पो होंठों में दर्द हो रहा है, नून, नून कहते हैं आँख को, क्या कहते हैं किसको, आँख को, नून इप्पो खूबसूरत है, नून इप्पो नून खूबसूरत है, आँख खूबसूरत है, नून 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 नून, ये अलिबे वाली नून समझ के याद कर लो, मगर नून याद कर लो, वो भी यूं करके नून करके बीच में नुकता है, ये भी यूं करके यूं के बीच के नुकता है, इस तरह जहन में रखो। जहन के बाद फिर कन्फर्म करो, नून बार बार इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद आपको याद हो जाएगा ये आँख है। उसके बाद है कहते हैं रोशनी को, सूरज को, हे आपके डेली आजकल जितना है हमें तड़पा रहा है उतना शायद किसी को भी नहीं तड़पा होगा, इतनी हफ से इतनी गर्मी है की वजह से। और ये कुदरती निज़ाम है, जहाँ पर है ज़्यादा वहाँ पे फ्रूट भी ज़्यादा है, वहाँ पे मसले मिसाइल भी कम हैं, जहाँ पर ये है नहीं होता है वहाँ पे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में है या और दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ पर है लेने के लिए मुख्तलिफ लोग बिल्कुल अपने बॉडी से कपड़े उतार के लेटना पड़ता है, ताकि है उनके विटामिन डी आएगी तभी जाके वो कामयाब या मतलब कि ज़िंदगी तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। समझ लें ए हमारे लिए है, हमारे लिए नेमत है। हे क्या है? हे। उसके बाद है दाल, दाल जो है मिठास पैदा करता है, मतलब कि ठंड डालता है। हे मामू को कहते हैं, हे दल, दल को कहते हैं, ओह सॉरी हे बोल रहा माजे चाहता हूँ, स्पीड में पता नहीं चलता है। खैर दल, दल जो है चांद को कहते हैं, चंदा मामू, धल मामू, धल मामू का नाम दाल डाल दो, दाल 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 खाने वाली समझ लो, कुछ समझ लो, मगर आपने चांद को दाल कहते हैं, दाल जो है वो खाने वाली है, चाहे मामू को आप दाल का नाम दे सकते हो, जैसे चंदा मामू ऐसे ही दाल मामू बोल दो, बोलो मामू बोलेगा दाल क्या होता है, मामू बस मैं कोरियन सीख रहा हूँ, क्योंकि आप दाल नहीं हो मगर चांद है तो वो दाल है। खैर दाल, दाल के बाद आपने फ्यूल, सितारे, ये वैसे ना कोई एग्ज़ाम में आता है, ना ही ये कोरियन ज़्यादा मतलब इस्तेमाल होता है, ना ही मतलब लाइफ रूटीन में, मगर वोकैबुलरी में आना इसलिए पता होना चाहिए इसकी स्पेलिंग, क्योंकि इससे मिलते जुलते लफ्ज बहुत ज़्यादा आगे मिलेंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये यो लिखा हुआ है तो इसका मतलब सितारा है, इस साइड आ जाएगा तो इसका मतलब कुछ और हो सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल जहन नशीन करना है कि फ्यूल सितारे को कहते हैं। उसके बाद है खुंग, खुंग कहते हैं बॉल को, बॉल क्या है कि जो कि नॉर्मल हम लोग लाइफ में बच्चों के साथ लेकर खेल रहे होते हैं, खुंग फुटबॉल को खुंग 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 खुंग, बैट बॉल, बैट को बेशक बैट बोलो, बॉल को खुंग लेकर आओ, खुंग लेकर आओ, खुंग लेकर आओ। उसके बाद है साखवा, साखवा जो है ये आपने आज के बाद सेब को साखवा बोलना है, रेड़ी साखवा वाली रेड़ी कहाँ है, साखवा वाली दुकान कहाँ है, साखवा लेकर आ, साखवा का मुरब्बा लेके आ, साखवा 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 ही साखवा कर देना है। साखवा जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसके अलावा साखवा आपकी बीमारियाँ ख़त्म करता है, अगर एक बंदा रोज़ाना साखवा खाता है उसे ब्लड प्रेशर या इस तरह की बीमारियां नहीं आती हैं, इस तरीके से साखवा अपने जहन में बिठा लेना है, इसको कहते हैं साखवा। उसके बाद है बनाना, बनाना बनाना बनाना, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश जो कोरियन, और बनाना 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 के बाद है नामू, नामू कहते हैं लकड़ी को, दरख्तों को, क्यों, क्योंकि वैसे भी गर्मी है आजकल, नामू की बड़ी अच्छा ज़रूरत होती है, जहाँ पे दरख्त होता है वहाँ पे परिंदे भी बैठे होते हैं, वहाँ पे इंसान भी बैठे होते हैं, वैसे हमारी कोशिश होती है दबा दबा इनको कटिए, तेरी एक स्टूल बनाइए, स्टूल तो पैदाम ना बैठिए, बाजो पता चलता हो ऐसे यहाँ पर तो दरख्त था तो मज़ा था, ये वो ये नामू क्या है, नामू लकड़ी और दरख्त को कहते हैं नामू, नामू 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 नामू। उसके बाद है कोत, फूल, फूल मौसम में बाहर आएगा तो फिर उस हिसाब से, मगर आप घर में गर्मियों के भी कोत खिलते हैं, कोत 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 याद कर लो, रटा लगा लो, जहन में बिठा लो, जहाँ पे भी नजर आए इसको क्या कहते हैं, यार मैंने याद किया था नहीं याद आ रहा है, चलो यार डिक्शनरी में निकालो, डिक्शनरी में याद नहीं आ रहा है तो गूगल ट्रांसलेटर में निकाल के फूल को आपने निकालना है, सामने आ जाएगा कोत, हाँ इसको कोत कहते हैं, ये आपने प्रैक्टिकल करना है तभी आपको आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही कर दी, यार अब कहाँ
ट्रांसलेटर निकालूंगा, कहाँ तकलीफ होगी, नेट नहीं है, ये नहीं है, सो बहाने, जो सो बहाने वो नकम्मा नखट्टू नलायक, वो जो घर से गालियाँ जिनको पड़ती हैं ये उन्हीं में शामिल होते हैं कि कुछ काम करना नहीं यार, नेट नहीं है, नहीं यार बारिश बहुत तेज़ है, नहीं यार धूप बहुत तेज़ है, नहीं यार शाम को खोल लेने दे शाम को जाऊँगा, नहीं यार मोटरसाइकिल नहीं है मैं कैसे जाऊँ, नहीं यार साइकिल, हज़ार बहाने जिसने करना है उसके पास कोई बहाना नहीं है, नहीं है नेट किसी आसपास यार बंदे को या तेरे नेट है, हाँ है यार एक एक लफ्ज़ मैंने देखना है, वैसे अगर किसी ने कुछ करना है उसके पास कोई बहाना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कोई चोट लग गई, आपने हॉस्पिटल जाना ही जाना है, फिर नहीं आपके पास कोई बहाना है कि भाई मैं जा नहीं सकता हूँ, गाड़ी नहीं मिल रही, मोटरसाइकिल नहीं मिल रही है, फिर आपने चाहे एम्बुलेंस पर भी जाना है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये मैंने एग्जाम्पल दी है कि हमने जब करना होता है तो फिर हमारे पास कोई भी वो क्या बहाना नहीं देता है। तो लिहाजा आप जो लफ्ज़ याद कर लें, आपको लगे कि यार ये फूल को मैंने याद किया था मगर याद नहीं आया, तो कोद कोद क्या कहते हैं, कोद छादुंग छा, छादुंग छा, छादुंग छा कहते हैं, छादुंग ऑटोमेटिक, छा गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी, छादुंग छा, छादुंग छा, जितनी भी टैक्सियाँ हैं गाड़ियाँ हैं सबको छा कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, छा, आपके आपने आपके पास अल्लाह कहते गाड़ी है तो आपने उसका नाम छा रख देना, उसका नाम ही छा रख देना है, जैसे लिखते हैं ना गाड़ी के पीछे मलक ब्रादर्स, गुज्जर ब्रादर्स, फलाना ब्रादर्स, और यहाँ यहाँ VXR गाड़ी है, मतलब BMW गाड़ी है, टोयोटा गाड़ी है, आपने छा बोल देना, छा गाड़ी है मेरे पास, छा 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 याद हो जाएगा, या मेरे दोस्त के पास छा है, छा वाली गाड़ी है, फेंगी, फेंगी है वही जिसके ऊपर आप कोरिया पहुंचेंगे, इसलिए ये याद करना बहुत लाजमी है, फेंगी क्या है, फेंगी जो एयरपोर्ट के पास दोस्त रहता है उसको बोल देना भाई हाँ वो फेंगी के पास रहता है, कहाँ रहता है, फेंगी के पास, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, इसलिए आपने ये जहन में रख लें कि ये फेंगी के, फेंगी जंग कहते हैं एयरपोर्ट को, फेंगी जंग के पास रहता है एयरपोर्ट, जहाँ पर मतलब जहाँ पे जहाज़ होते हैं, क्या कहते हैं, फेंगी, उसके बाद शिम्बल, शिम्बल आपके डेली डेली लाइफ में आपने इस्तेमाल करने, क्या है, शिम्बल 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 उतार के आने भाई घर में, जब घर पे हैं वो शिम्बल दूसरे इस्तेमाल करने, वॉशरूम के शिम्बल दूसरे इस्तेमाल करने हैं, बाहर जाते वक्त शिम्बल दूसरे इस्तेमाल करने, गर्मियों के शिम्बल दूसरे हैं, सर्दियों के खुद दूसरे हैं, शिम्बल दूसरे हैं, अपने जहन में रख लीजिए, जब कोरिया जाएंगे तो शिम्बल आपके 5 से 6 होंगे, एक वो होगा जो आप काम करने के दौरान है, एक वो होगा जब आपने घर में दाखिल होना है, एक वो होगा जो घर में इस्तेमाल करना है शिम्बल, एक वो शिम्बल है जो वॉशरूम में इस्तेमाल करना है, एक वो शिम्बल है जब आपने बाहर घूमने जाना है, मतलब कि हर कोरियन के, आपके नहीं हर कोरियन के 5 से 6 शिम्बल डेली लाइफ के होते हैं, और उसके अलावा जो अलग उन्होंने रखे होते हैं एक्स्ट्रा या फैशन के वो अलग हैं, मगर जो बाहर का शिम्बल है वो घर पे इस्तेमाल नहीं करना, घर वाला किचन में इस्तेमाल नहीं करना, किचन वाला वॉशरूम में इस्तेमाल नहीं करना, वो वॉशरूम वाला बाहर इस्तेमाल नहीं करना, वो बाहर वाला काम के दौरान इस्तेमाल नहीं करना, ये कोरिया का कल्चर है। सेम इसी तरह कचरे के बारे में है कि जो कागज़ का कचरे का डस्टबिन है कागज़ ही डालना है, जो लोहे वाला उसमें लोहा ही डालना है, जिसमें ये खाने पीने की अशिया होती है, मतलब जो सालन बच जाता है, रोटी बच जाती है, वो अलग डस्टबिन है, उसी में डालना है। उन्होंने ये 5 डस्टबिनें लगी हुई हैं, कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि यार ये मेटल की है, मतलब लोहे की है, तो इस कागज़ वाली में लोहा डाल दूँ, ये कैन होता है, वो नहीं डालेंगे, अगर कैन डला हुआ नज़र भी आएगा उसे निकालेंगे और उसको डाल देंगे अपने उसमें कैन वाले में, मेटल वाले में वो कैन डाल देंगे, जहाँ कागज़ है, जहाँ पे रद्दी है, जहाँ पे कचरा है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, एक शीशे की अलग होती है डस्टबिन, उसमें शीशे ही नज़र आएगा, कभी भी मिक्स नहीं करते, ये एक वहाँ का कल्चर है, असूल है, तरीका है, असूल है, और ज़िंदगी सुहानी है, एक अजीब अलग ही दुनिया है। सेम इसी तरह आपका शिम्बल जहन में रख लें कि शिम्बल मैंने बाहर का अलग है, घर का अलग है, शिम्बल 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 शिम्बल, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अब भी पढ़ना नहीं आया तो फिर समझ लें कि आपको मज़ीद किसी ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो पता नहीं किस तरीके से पढ़ाए, इससे अच्छा मतलब मुझे तो समझ से बाहर है, किससे बेहतर मैं क्या पढ़ाऊँ। उसके बाद है मोजा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट खेलने जाना है, मोजा दे दो भाई, मोजा धो दो, मोजा 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 मोजे मोजा मोजे होती है ना, ये समझ लो आपका मोजा है, मोजे आपकी लगी हुई है अभी पाकिस्तान में, कोरिया जाएंगे लग पता जाएगा, खुद ही धोने पड़ेंगे सारी मोजे शोजे निकल जाएंगी, पानी भी नहीं पिलाता है वहाँ पे कोई, खुद ही जाके पीना पड़ता है, मगर रूटीन पे पीते हैं, रिलैक्स रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, माशाल्लाह सेहतमंद रहते हैं, यहाँ पे क्या है पानी नहीं पिया, सारा दिन नहीं पिया, मिल गया तो 4 जगह पी लिए बस, खैर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। मोजा क्या है, मोजा, मोजे लगी हुई हैं, मोजा मोजा क्या है, मोजा कैप टोपी, गर्मी है गर्मी में मोजा पहनना, चिब चिब कहाँ जा रहा हूँ, चिबे जा रहा हूँ, घर ओदी खा चिबे खा, चिब जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ से आ रहे हो, चिबे से वासो, मतलब चिब चिप से आ रहा हूँ, चिप से आ रहा हूँ, चिप 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 चिबा चिबा चिबा, जो मर्जी याद करो, जिस तरीके से मर्जी याद करो, आपने इसको याद करना है। क्या कहते हैं अपने घर को आप, चिप कहते हैं, फे फे है ये कश्ती,
कश्ती का वो जो मुझे इसको आपकी डेली लाइफ में नहीं इस्तेमाल होता होगा, मगर फिर भी आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बना के देना कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बचपन के दिन, वो वाले गाने में बेशक याद कर लो, मगर फे जो है वो कश्ती को या बेड़ी जहाज़ को कहते हैं। वन मोर टाइम, एक बार दोबारा, अब आपने ये रिपीट करना है या वन मोर टाइम मेरी ये दोबारा वीडियो देखें और स्टार्ट से देख लें। मैं स्टार्ट से एक बार स्पीड में जाके कोदियन ही कोदियन बोलूँगा, आपने एक बार कोदियन गौर से सुन लेनी है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, ताकि आप एक्सपर्ट हो सकें या आपकी लिसनिंग पावर बेहतर हो सके। हना दुल से ने थासो यसुत इलगुब यदुल आहब यल इल ई सम सा ओ युग शिल फल खुशिप। हना दुल से ने थासो यसुत इलगुब यदुल आहब यल। 25 जो वो वोकेबलरीज हैं इसको गौर से देखेंगे। छेक अप्पा उम्मा आका खोयंगी खे से फ्यल खोंग साखवा बना नामू कोद छादुंछा फेंगी शिम्बल मोजा चिप फे। वन मोर टाइम, एक बार फिर रिपीट करें, फिर करें, मगर आपने याद करके सोना है, वैसे नहीं सोना है। सोना है मतलब नींद आ जाए, सोना है, रिलैक्स होकर सोना है, फिर उठना है। जब तक आपको नींद हराम हुई होती ना, जब तक मैं वो काम ना कर लूँ, मुझे या सुकून नहीं मिल रहा, तब तक सुकून नहीं आना चाहिए जब तक आपको ये वीडियो हिफ्ज़ ना हो जाए। आपने रट्टा ना लगा लें, रट्टे के बाद लिख ना लें, लिखने के बाद इस्तेमाल ना कर लें। समझ लें ये वीडियो आपको 100% पास करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। ये मत सोचें कि ये लफ्ज़ मैं नहीं याद करूँगा तो कुछ नहीं होगा। ये लफ्ज़ आप याद करेंगे, सॉरी ये वन मोर टाइम वाला लफ्ज़ नहीं, ये लफ्ज़ फे भी याद करेंगे तो आपके ज़रूर इम्तिहान में कामयाब होगा। ये पासिंग मार्क्स के लिए आपको कोरिया ले जाने में मदद कर सकता है। अब हमने सीखनी है कोरियन गिनती। क्यों? क्योंकि हम तो वहाँ पे गिनती के लिए जा रहे हैं। गिनती, दिन की गिनती, घंटों की गिनती, कितने घंटे काम किया, कितने पैसे बने, कितने, सारा काम ही गिनती का चल रहा है। लिहाजा हम आज सीखेंगे गिनती और मेरी प्रैक्टिस इस तरह की करवाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला आज आपको 10 तक गिनती याद होगी पूरी। ये समझ लो ये सिर्फ कोरियन गिनती में नहीं, पूरी दुनिया में 10 तक गिनती याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद आप लाख तक गिनती बआसानी याद कर सकते हैं। लिहाजा आज हम पहले 10 तक याद करेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि हम 11, 12, 13 किस तरीके से बोलते हैं। कोरिया में गिनती दो किस्म की होती है, ये मज़े की बात है। ये प्योर कोरियन है, ये प्योर कोरियन है। ये है लिखा हुआ, एक को कहते हैं हना, क्या कहते हैं हना। दो को कहते हैं दुल, मेरे साथ साथ पढ़े दुल दुल हना दुल हना दुल हना दुल सेत 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 हना दुल सेत हना दुल सेत। जैसे कितना 1 2 3 कोरिया में ये बहुत ज्यादा हना दुल सेत कोई चीज खींचते हैं, कभी भागने लगते हना दुल सेत हना दुल सेत हना दुल सेत। आपने गाने की तरह याद कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस उसके बाद 10 के बाद हो जाएंगे करोड़ तक, हैं करोड़पति भी हो जाएंगे और करोड़ तक गिनती भी आ जाएगी। खैर हना दुल सेत ने थे सॉरी हना दुल सेत ने था सो यो सत इलगुप यो दल आहप यल। ये थोड़ी सी मुश्किल लगेगी मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब पढ़ना आ जाएगी तो आप भी इस तरीके से गाएंगे और इन्जॉय करेंगे। हना दुल सेत हना दुल सेत, ये है नेत। हना दुल सेत नेत हना दुल सेत नेत हना दुल सेत नेत हना दुल सेत नेत हना, मेरे साथ साथ आपने साथ साथ पढ़ना है हना हना दुल 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 सेत 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 नेत नेत थासोत। आज आपने ये थासोत तक आप बार बार लिखेंगे और बार बार स्पीक करेंगे तो 5 तक तो आपको 5 मिनट में याद हो जाएगी। हना दुल सेत नेत थासोत 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 हना दुल सेत नेत थासोत। उसके बाद यसोत इलगोप योदल आहोप योल योसत इलगोप योदल आहोप योल योसत इलगोप योदल आहोप योल। हना दुल से ने था सो योसत इलगोप योदल आहोप योल। इस तरीके से याद करें, याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। हना दुल से ने था सो योसत इलगोप योदल आहोप योल। एक बार फिर हना दुल सेत ने थासत योसत
इल्गु प्योदल आहो प्योल, और आप इसी को ना देखें, इसको वो से पढ़ें, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको पढ़ लें। योसो लिखा हुआ है, इल्गोप लिखा हुआ है, योदल लिखा हुआ है, आहोप लिखा हुआ है, योल लिखा हुआ है, मगर कोशिश करें कि ये जो इंग्लिश है ना ये पढ़ना आप छोड़ दें, आप इसी को वो से पढ़ें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका दिमाग प्रोसेस जो है वो काम करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, कोई मसला नहीं, मगर आपको लफ्ज़ की पहचान हो जाएगी। आपने लफ्ज़ों की पहचान करना है, रीडिंग पावर अपनी बेहतर करनी है, क्योंकि वहाँ पर रीडिंग आप करेंगे फिर ही उसको सिलेक्ट करेंगे। रीडिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उतने शॉर्ट टाइम में आप आंसर सिलेक्ट कर सकेंगे। अगर रीडिंग पावर आपने इसको देख के पढ़ने की आदत डाल ली तो फिर वहाँ पे रीडिंग पावर आपकी बहुत कम हो जाएगी। मगर अभी ये हमारी स्टार्ट है तो अभी से बेस बन रही है हमारी, कोशिश करें कि अभी से बेस बेहतर होगी तो बिल्डिंग चाहे जितनी मर्जी बड़ी खड़ी कर सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, हना धुल सेत नेत थासोत योसोत इल्गो योदल आहो योल। ये गिनती याद हो गई, ये है प्योर कोरियन, ये प्योर कोरियन गिनती है। पहले आपने ये याद करनी है, 10 बार अपने रजिस्टर्ड में 10 सफ़ों में लिखनी है, आपको 110% याद हो जाएगी। हना दुल सेत नेत थासो योसत इल्गो योदल आहो योल, ये यहाँ पर नेटिव कोरियन, इसको नेटिव कोरियन भी कह सकते हैं, नेटिव कोरियन जो गिनती है। उसके बाद है सिनो कोरियन, ये हमने याद कर लिए, हना दुल सेत ने थासोत योसोत इल्गोब योदल आहब योल, ये है सिनो कोरियन। इल ई सम, मैं स्पीड में जा रहा हूँ, माजर चाहता हूँ, दोबारा से जब मैं इल बोलूँ तो आपने साथ इल बोलना है, इल 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 ई ई ई सम 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 सा 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 ओ ओ ओ, साथ बोलना है, साथ आपने लिख लेना कॉपी पे कि ये ओ की आवाज़ निकाल रहा है, ये नेत की आवाज़ निकाल रहा है, ये सेत की आवाज़ निकाल रहा है, ये दुल की आवाज़ निकाल रहा है, हना दुल सेत नेत थासोत योसोत इल्गोब योदल आहब योल। इसी तरह इल ई सम सा ओ ओ, इल ई सम सा ओ ओ, इल ई सम सा ओ ओ ओ, इल ई सम सा ओ युक युक युक, इल ई सम सा ओ युक, इल ई सम सा ओ युक युक युक, शिल 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 शिल, इल ई सम सा ओ युक 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 शिल शिल, फल 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 फल, इल ई सम सा ओ युक शिल 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 फल फल फल, खु खु खु, इल ई सम सा ओ युक शिल फल खु, इल ई सम सा ओ युक शिल फल खु, इल ई सम सा ओ युक शिल फल खु, शिप 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 शिप, इल ई सम सा ओ युक शिल फल खु शिप, इल ई सम सा ओ युक शिल फल खु शिप, इल ई सम सा ओ युक शिल फल खु शिप। ये बात याद रखिएगा कि जब हम एक चीज़ नहीं देखते ना तो हमारा जहन ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये मुझसे हो पाएगी, ये बात याद रखिएगा। आप वीडियो ना देखें, हैंड फ्री लगा के ये 3-4 बार सुन लेंगे ना तो फिर आपको थोड़ी आसान लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी में सेव हो जाएंगे ये ऐसी लफ्ज़ ऐसी आवाज़ें, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत हमेशा वही बंदे हारते हैं जो कि करना नहीं चाहते, जो करना चाहते हैं वो पहले सीखते हैं, सीखते हैं तो वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि देखने वाला कहता है कि यार शायद मैं ये सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता हूँ। सच बताऊँ
कि जब मैं एक कंपनी में गया और वहाँ पे पाकिस्तानी ने मुझे कोरियन ज़बान बोलते हुए देखा तो कहने लगा, यार मैंने दुनिया में अपनी ज़िंदगी में इतना बेहतरीन पाकिस्तानी को कोरियन बोलते नहीं देखा। मगर ये उसकी नज़र में था, क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। मगर जो मुझे पता था कि मुझे इतनी ज़्यादा कोरियन नहीं आती है कि जितनी ये समझ रहा है। मैं सच बताऊँ तो क्या हुआ कि उसे वीज़ा लेने का शौक पड़ा E7, उसने क्लासें लेना शुरू की। तसव्वुर हुसैन नाम है, बहुत अच्छा दोस्त बन गया मेरा। वक्त गुजरता गया, एक साल, दो साल, तीन साल तकरीबन उसने कोरियन लैंग्वेज की क्लासेस ली। वहाँ पे फेल होता था, फिर ट्राई करता था, फेल होता था, फिर ट्राई करता था। मगर जब वो एक्सपर्ट हो गया, फिर जब उसने मुझसे कोरियन में बात की तो उसे लगा कि कमल के उतनी स्पेशल कोरियन लैंग्वेज नहीं है जितनी कि मैं समझता था। सेम ऐसे जिसको दो चार लफ्ज़ आते हैं तो मत समझिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। आप उससे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए। उसने 15 दिन दिए, आप 20 दिन दें, आपको लगेगा कि उससे ज़्यादा मैं एक्सपर्ट हूँ। बस उसने टाइम दिया है, आपको टाइम देने की आदत डालनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी बहुत, मतलब कि आप वर्जिश करते हैं तो कितना थकन होती है। बंदा कहता है कि पागल, इससे अच्छा है मैं पंखे के नीचे, एसी के नीचे आराम से सोऊं, पसीना निकलेगा, थकान होगी, जिस्म में दर्द होगी। तो मगर क्या है कि ये सब तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाले के ही मसल्स बनते हैं। जिसके मतलब जिसने तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करनी है तो उसको फिर बीमारियां घेरती हैं, सुस्ती आती है। उसको बोलो कि भाई कलाबाजी खाओ, बोलता है नहीं। उसको बोलो थोड़ी देर खड़ा हो, बोलेगा नहीं हो सकता। उसको थोड़ी देर बैठ जा, बोलेगा नहीं मुझे तकिया लगा, मैं टेक लगा के बैठूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जो तकलीफ़ बर्दाश्त करना जानते हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो 50-60 साल की उम्र में भी उसको बोलो ना 4 किलोमीटर जाना है, बोलेगा हाँ चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसने तकलीफ़ बर्दाश्त करना सीखी है। जो तकलीफ़ बर्दाश्त यही होती है कि प्रैक्टिस करते वक्त एक नई चीज़ आती है तो तकलीफ़ होती है। तो ये बर्दाश्त करना सीख लें। एक बार रिपीट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हना धुल से ने थासोत योसोत इलगोप योदल आहोप योल इल ई समसा ओ युक शिल्फल खुश हना दुल से ने था सो यो सत इलगुप यदल आहोप यल इल ई सम सा ओ युक्षिल फल खुश। ये तो जल्दी ख़त्म हो गया। इल ई सम सा ओ युक्षिल फल खुश। अच्छा, उसके बाद मैं आपको, वो पहले छोटा छोटा था, अभी मैं आपको प्योर कोरियन थोड़ा बड़ा कार्टून की शक्ल में, मतलब कि ये भी पढ़ने में आ जाए, ये भी पढ़ने में आ जाए, ये भी पढ़ने में आ जाए, कोशिश करनी है। ये आपने नहीं पढ़ना है, आपने इसको पढ़ना है। ये इसलिए बड़ा बड़ा करके दिखाया है कि इस वक्त यहाँ पर बहुत छोटा छोटा था, तो मुझे लगा कि जो है लोग सिर्फ 1-2 को तो जहन में रखेंगे, ये हना दुल जो है उनको नज़र नहीं आएगा, इसलिए लिहाजा फिर मैंने ये निकाला। इसमें क्या है कि हना बड़ा सा करके लिखा हुआ है, इसको और इसको पढ़ना है आपने। इसको उस वक्त पढ़ना है जब आपको समझ में ना आए आपको कि ये लिखा हुआ क्या है, मुझे इसके जोड़ करना नहीं आ रहा, फिर आपने नीचे देखना है। हना दुल सेर, साथ साथ कॉपी में चाहें तो लिख लें, नहीं तो पढ़ें बाद में, आपने साथ साथ कॉपी में लाजमी लिखना है। सेर ने थासोत योसोत इलगो योदल आहोप योल। एक बार दोबारा रिपीट करते मेरे साथ, हना दुल सेर ने थासत योसत इलगो योदल आहोप योल। आप इसको देख रहे, थोड़ा सा इसको भी देखें, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। एक बार मेरी मतलब मेरे कहने पर देख लें, आप इसको भी देखें और इसको देखें, इसको ना देखें, थोड़ा सा मुस्कुराना है तो देखिएगा कैसा है। मार दिए ना आँखें, बस जब आपको कोरियन आ जाएगी, कोरियन लड़कियां भी आँखें मारेंगी, पहले कोरियन सीख लो। देखो, है ना, दुल से ने थासत योसत इलगप यदल आहोप यल यल। देख रहे सब, मुँह खोल दिए यल, उसके बाद यल हना यल दुल यल सेत ने थासत यल के साथ लगता है। फिर बीस को कहते हैं सुमुल सुमुल हना सुमुल दुल। वो अब जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ताला, अभी कल से मैं चैप्टर वाइज शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज इसलिए शुरू नहीं कर रहा था कि पहले आपको मैं ग्राउंड पे चलना सिखाऊं, ग्राउंड में रियलिटी बताऊं कि कुछ स्टोरी सुनाऊं ताकि आपका दिल लग जाए। मेरा ख्याल है ये आज मेरी इस पे लास्ट वीडियो है, कल से मैं चैप्टर शुरू करूंगा। तो चैप्टर वाइज जो पढ़ेगा ना वो समझ लें कि वो पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, वो आखिरकार
छत पर, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवीं मंजिल, दसवीं मंजिल तक भी पहुंच जाता है। ये हम सिर्फ दूर से जहाज़ से बस देख रहे थे कि नीचे चल क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी दुनिया है। ये यहाँ तक कि मेरी वीडियोज़ जो हैं सिर्फ और सिर्फ कोरिया के बारे में इंटरेस्टिंग, आपको मोटिवेट करना, मतलब कि कुछ ऐसे लफ्ज़ याद करवाना जो कि आपको आसान लगें। आगे मुश्किल लफ्ज़ होंगे मगर क्योंकि आपने मुश्किल लफ्ज़ पीछे याद कर लिए। अच्छा खैर, आपने अब तक यहाँ तक देख लिया, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। होए 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 होए।